हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से खैरियत से हूँ। हमारे यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। मतलब मोटो ब्लॉगिंग करना टफ बोले तो यहाँ पे नज़दीक पे अच्छा सा जगह घूमने के लिए एक तो नहीं है। और अगर आप बाइक लेके भाई अच्छा सा मोडिफिकेशन अगर आपको करना है, कुछ भी सामान आपको गाड़ी में लगाना है, क्रैश गार्ड हो गया, स्टन कवर हो गया, लीवर गार्ड हो गया, इंडिकेटर, कुछ भी आपको लगाना है, तो भाई आपको एक जगह में नहीं मिलने वाला है हमारे यहाँ पे। आप देखो, मैं जब से बाइक लिया हूँ ना, बाइक को लेके मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए मैं कहीं पे जा ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए बाइक को कहीं पे लेके जाना अभी तक मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है। कभी यार क्रैश गार्ड लगाने जाता हूँ, कभी ग्रैब गिल लगाने जाता हूँ, जैसे कि सीट कवर के लिए गया था। मतलब एक जगह में सब चीज़ नहीं मिलता है यार। तो गाड़ी को पूरा ठीक करने में और पूरा इसको मॉडिफिकेशन सेटअप पूरा करने में ही हमारा अभी 2 महीने जाएगा यार। उसके बाद आराम से इसके ऊपर वीडियो बना के हम लोग चल सकते हैं। और मेरे चैनल पे यार अभी 4000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। मौसम देखो यार कितना ख़राब हो रखा है, शायद बारिश होने वाला है। बाइक अगर लॉन्ग टूर पे जाते हैं और जैम अगर मिल जाए तो भाई आधा थकान तो उसी में हो जाता है। R15 में अगर पिलियन ना हो तो बाइक को लॉन्ग रूट में आप लेके जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आपको 1 घंटे के बाद आपको रेस लेना पड़ेगा, मतलब कमर सीधी करना पड़ेगा आप लोग को और मुझे भी। मतलब 1 घंटे के बाद आपको रुकना पड़ेगा पानी भी नहीं पीने के लिए और कमर को सीधी करने के लिए। और आप अकेला ही चला के लेके जा रहे हैं और रोड थोड़ा खाली है, गियर चेंज नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है आपको, तो आपके लिए लॉन्ग रूट पे ये बाइक को लेके जाने का थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो गाइस बारिश आने वाला है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा था इसके कारण भाई। तो इतना सारा जाम होगा तो यार निकलेंगे कैसे यार, और बारिश भी आने वाला है ऊपर से। बारिश आ गया तो भाई कैमरा वैमरा फिर निकलना पड़ेगा यार, क्योंकि उलंजी केस लगाने के बाद तो ये वाटरप्रूफ नहीं रहता है ना, तो एक मगजमारी हो जाता है भाई कैमरा निकालना। ये देखो उल्लू का पट्ठा किधर घुसा के रखा है गाड़ी। अरे तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये देखो यार, क्या हमको नहीं जाना है क्या? इधर भी पूरा गाड़ी डाल के रख। वाह भाई साहब वाह, क्या बात है यार। तुम लोग जाओ यार, तुम्हारे बाप का रोड है ना, पूरा रोड तो तुम्हारा ही है यार। मौसम कितना बिगड़ गया है यार, बारिश होने वाला है, बहुत भयंकर बारिश होने वाला है। हमको हमारे डेस्टिनेशन पे पहले ही पहुंचना पड़ेगा यार। सिचुएशन को ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं और ना ही जड़ पा रहे हैं, क्या करें बताओ यार। घर भी जाना है क्योंकि भाई मौसम खराब हो गया, अगर हम लोग भीग गए तो पूरा कैमरा वैमरा पूरा जो सेटअप है हमारे पास वो पूरा भीग जाएगा, गीला गीला हो जाएगा और आसपास में रुकने का भी जगह नहीं है। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा स्पीड में अगर चलते हैं तो घर को जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन हवा ज़्यादा होने के कारण भी हम लोग बाइक को स्पीड में नहीं लेके जा पा रहे हैं। इसी वजह से जो है हम लोग मिड पॉइंट पे भी बाइक पे चला के जा रहे हैं कि भाई अगर भीग भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन कोई क्या बोलते हैं कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट का चक्कर ना हो, कोई दुर्घटना ना हो हमारे साथ, इसके लिए हम लोग जो है मिड पॉइंट पे जा रहे हैं। चलेगा भाई, भीग जाएंगे तो चलेगा। हम लोग तो सोचे थे यार कि टोल टैक्स में रुक के थोड़ा फ़ोटो वोटो लेंगे थंबनेल बनाने के लिए और थोड़ा शूट भी करेंगे वीडियो, लेकिन भाई सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाया। अभी मौसम ख़राब है तो चलो निकलते हैं इधर से थोड़ा जल्दी। ग्लास बहुत हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हवा मार रहा है और हवा मारने के कारण हम बाइक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस होने वाला है शायद। ओ दोस्तों आज 105 पे उड़ा दिया हूँ बाइक को, विंड ग्लास हो रहा है, पता नहीं हेलमेट रहेगा या फिर उड़ जाएगा यार जैसा कि हवा मार रहा है। I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last. Erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say in the back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help.
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।